प्रणाम योग साथियों, योग विद शिवा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कैसे करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन या पद्मासन। आपकी जो बैक है, स्पाइन है, वो सीधी रहनी चाहिए और आपकी गर्दन और आपका सिर भी स्थिर रहना चाहिए। हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना लें, अपने घुटने पर इस तरह से रखें। सबसे पहले एक गहरा लंबा श्वास भरते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो भी सांस हम लेंगे स्वाभाविक अंदर आएगी, निकालते समय हमें झटके से उसे बाहर निकालना है। एक बात का ध्यान रखें, बहुत तीव्रता के साथ, बहुत ही सहज रूप से सारा काम करना है। एक बार मैं करती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको इसे कैसे करना है। ज्ञान मुद्रा में बैठ के स्पाइन हमारी सीधी है, गहरा लंबा श्वास भरा, आंखें बंद, झटके से इसको हम बाहर निकालेंगे। स्वाभाविक श्वास जो अंदर आपके आएगी उसे ही हमें झटके से बाहर निकालना है। झटके समय आपकी जो बेली है, जो आपका पेट है, वो अंदर की तरफ आएगा और श्वास को तीव्र गति से हम बाहर निकालेंगे, बट अत्यधिक प्रयास नहीं करेंगे। बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से पूरा प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। कैसे करना है ये तो मैंने देख लिया, अब शुरुआत में हमें कितनी बार करना है। शुरुआत में आप इसे 10 बार तक करें, उसके बाद कुछ स्थिति में रुकें, कुछ पल रुकें, गहरा लंबा श्वास भरें, फिर से इसे 10 बार करें। इस तरह से 3 से 4 बार तक आप शुरुआत में से अभ्यास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पल जल्दी जल्दी किया फिर हम थकने लगे और हमने धीरे कर दिया। जैसे भी सहज हो, स्टार्टिंग में आप मध्य गति या मंद गति से ही करें, उसके बाद जब आप इसमें सहज हो जाएं तब आप इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं और कुछ पल रुक करके फिर इसका अभ्यास आगे जारी रख सकते हैं। यदि पेट में कहीं दर्द होने लगे इस अभ्यास को करते समय या आपको चक्कर आने लगे तो कुछ पल रुक जाएं, आंखें बंद करें, 4 से 5 बार गहरी लंबी सांस भरें। जब आप सहज हो जाएं फिर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको तकलीफ होती है तो उसे बिल्कुल रोक दें और अपने किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही इसका अभ्यास करें। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कपालभाति प्राणायाम आपके पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। पेट संबंधित जितने भी विकार हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, उन सभी को ये जड़ से खत्म करता है। ये इड़ा नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को भी शुद्ध करता है। आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। जिन्हें अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है उन्हें भी ये जड़ से खत्म करता है। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसका स्वयं अनुभव कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इन्हें नहीं करना चाहिए। तो जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है या हार्निया से पीड़ित है उन्हें इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें बहुत ही मंद गति से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कपालभाति प्राणायाम के बारे में। यदि ये जानकारी आपके लिए कारगर हो तो और आपको लगे कि इससे आपको हेल्प मिली है तो प्लीज इसको शेयर करना दूसरों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखें, शुभ कार्यों में व्यस्त रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।